समझ गया कि भले वो सूत्र नीचे हो, भले पैर नीचे, पर सबके लिए सारा देने वाला जो है वो ही है। नींव की ईंट ना हो तो ऊपर मंजिल क्या करेगी। इसलिए मेरे मित्र, छोटों को भी छोटा मत समझो, अहो बड़ो छोटे के ऊपर ही तुम खड़े हो। यदि शिष्य ना हो तो गुरु किसके? शिष्य ना हो तो गुरु किसके? इसलिए शिष्य गुरु की विनय करता है, गुरु को भी शिष्यों की विनय करना चाहिए। हमको गुरुता इन्होंने ही दी है। पर शिष्य इस अहंकार में न डूब जाए कि गुरु को हमने गुरु बनाया है। बेटे वो तुमको शिष्य ना बनाते तो तुम गुरु को गुरु बना कैसे पाते? समीकरण बनाना सीखो, समीकरण बनाना सीखो, विराजो ज्ञानी हो। यदि ये नीति पांड्या पूरे देश के राजनीतिज्ञों ने सीख ली ना, वे विश्व पर राज करेंगे। भारत जो ना विश्व पर राज करेगा, यदि नीति ये होना चाहिए। गरीबों का अपमान मत करो, गरीबों का अपमान मत करो, वो अमीरों का अपमान मत होने दो। क्या बोला? गरीबों का अपमान मत करो, वो अमीरों का अपमान होने मत दो। विधर्मियों का अपमान मत करो, धर्म का अपमान होने ना पाए। विधर्मियों का अपमान मत करना। नीति कहती है दुर्बल भी सम्राट क्यों ना हो उसका भी अपमान मत करना। मुकेश कांटा सड़ा भी क्यों ना हो उसकी भी उपेक्षा मत करना। यदि देश को, राष्ट्र को, समाज को चलाना जानते हो, एक नीति सीखो और इस नीति को चलोगे ना तो हर जगह तुम्हारा घर होगा, हर जगह आपका घर होगा। दो दिन के राज्य में, दो दिन के राज्य में किसी तीसरे का अपमान मत कर देना। जितने मुर्राजे ध्यान दो में क्या बोल रहा महात्मा समत्व सागर जी। आप पहुंचे झुमड़ी तलैया, एक गोरा नारा आदमी दिख गया आपको, उसको अपने पास बिठा लिया। इसी बीच में आया छोटू भाई काला, बोले चलो उठो थोड़ी देर बाद आना, ये बहुत बड़ी भूल कर ली हमने जीवन में। चाहे राजा हूं चाहे महाराज हूं, चाहे सेठ हूं चाहे गरीब हूं, जीवन में भूल बहुत बड़ी भूल है कि बड़े लोगों को देख करके शीघ्र ही भूल जाना कि मेरे पास तो आज बड़े लोग आ गए हैं। महाराज जी, बड़े लोग बड़े मंच पर आते हैं पर कमंडल लेके पीछे चलने वाले छोटे लोग ही होते हैं। पांड्य अपने घर चला गया और समझ सागर लगी जंगल, सोच वहां खड़ा दरबार पर कौन मिला? छोटू भिंड। अब खोजो पांड्या कहाँ गया, वो सोच के लिए नहीं जाएगा, जब आप मंच में होंगे तो भजन गाने आएगा। पर छोटू का धर्म है पांड्या को गाली ना दे, तुम्हारी क्षमता थी वो अपने काम किया है। यदि आज कोई जैन संगीतकार है चाहे सुब्रत सागर जी, जब कहीं किसी भी मंदिर पर किसी मठ पर रविंद्र जैन की आवाज़ सुनते हो तो आपको गुदगुदी होती है कि गा तो रविंद्र जैन रहा है। भले वो मित्र आज तुम्हारे बीच में ना हो, दूर रहते हो और पर्याय छोड़ के चले गए हो, लेकिन फिर भी आज कोई गाना गवता तो बोले रविंद्र बोल रहा भाई। और
टीकमगढ़ का पड़ोसी, भले मित्र उसे देखकर ईर्ष्या करते हो, जब बाहर जाएं तो उनके ही गांव का बेटा रुपये जब भजन गाता है उसी सीढ़ी बजती है तो मित्र आप मुस्कुरा जाते, बोले मेरे ही गांव का है। पांड्या तेरी झूमड़ी तलिया के लोग भी जब सुनते होंगे वो भी मुस्कुराते होंगे। अब विषय समझिए, ये विशुद्ध सागर नहीं हो रहे हैं। अब मैंने मात्र सुनिए ध्यान से, ये मानो प्रशांत विशुद्ध सागर दुखित हृदय बोल रहा है, उन लोगों पर मुझे दया आती है जो दो दिन का राज्य पाकर के तुरंत दूसरे का अपमान करने लगते हैं। उन्हें ये बोध नहीं होता है कि कल हमारी स्थिति क्या होगी। बड़ी सभा देख करके छोटों को अपमान मत कर देना। सभी समाज से मेरा कहना है, मेरे पास आकर के यदि यहां सभा में कोई गरीब आ जाए, कोई आदिवासी आ जाए, उसको भगाना मत, उसको प्रेम से बिठा लेना। मित्र आपके पास हम 4 महीने रहते हैं, 8 महीने इन लोगों के साथ ही हम रहते हैं। जब मुराज बिहार करेंगे तो मित्र नगर नगर में गांव गांव में कौन मिलेंगे? एक सागर जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर रजवास गांव में पंचकणा चल रहा था, गजरथ की फेरी हुई और गजरथ की फेरी के उपरांत वहां लगभग 1 लाख लोग गजरथ महोत्सव की भीड़ थी, देख रहे थे। मैं बिहार कर गया फेरी के बाद, और दूसरे दिन जब मेरा बिहार हुआ तो बियाबान जंगल में जितने युवा थे रजवास के सागर के, सब बच्चे मार्ग भूत भटक गए। बियाबान जंगल में थोड़ी देर बाद छोटी सी आहट, मतलब आवाज हुई कि कोई आदमी आ रहा है। उस व्यक्ति ने जैसे देखा इस सेठों के बेटे जंगल में, थोड़ी दूर मुझे दिख गया, अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, अब देखना ये तो बेई महाराज जी है, जहां कल लाखों की भीड़ थी आज जंगल में वो तो लेट गया चरणों में। वो कहता, गुरु जी आप लोग मार्ग भटक गए हो। अब मैं सोचा दुनिया को मार्ग बताने वाला मार्ग भटक गया है, मालूम क्या? बोले सबके दिन एक से नहीं होते, गुरु जी आप मंच में मार्ग बता रहे थे, अब चलो मैं आपको मार्ग बताता हूं। वो आदिवासी जंगल में अपने गांव नहीं गया, शाम का समय हो रहा था, वो मित्र ऐसा ऐसा शॉर्टकट से निकाल के ले गया एक लघु मार्ग से, और जा करके उसने मदनपुर तीर्थ में जाके पूरे संघ को विराजमान करा दिया। मित्र मात गजरथ देखने तो गया था, एक दिन की गजरथ देख करके उसको श्रद्धा जम गई और जा करके मार दिखाने पहुंच गया। इसलिए ज्ञानी, संसार का भी मार्ग है, मोक्ष का भी मार्ग है, मध्य कषाय है, ज्ञान स्वभाव है, योग में जाने के लिए मध्य नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्या हो गया आप सबको? विश्वास मानो, विश्वास मानो, आज निर्णय कर लो। जीवन की धारा जब तक विराट नहीं होगी तब तक आप विश्व को कुछ भी नहीं दे पाओगे। छोटे से छोटे आदमी की बात सुनो और बड़े से बड़े आदमी की ही बात सुनो। मुमुक्षुओं, मुमुक्षुओं, एक प्रश्न करूं? आप तो मेरे से बहुत प्रश्न कर ले, मैं एक ही कर रहा हूं। ये बमूल का जो कांटा होता है, अनंग सागर आए क्या? अनंग सागर मित्र, अनंग सागर जी, ये बमूल का जो कांटा होता है, और गुरखू, गुरखू एक कांटा होता है, गुरखू। पंडित सरस जी, संजय भैया,
गुरखू का कांटा पैर में चुभ जाए अच्छी बात है क्या? तो क्या करना चाहिए? आग लगा देना चाहिए ना? सुनो, इनसे मैं पंडित जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। पंडित जी, गुरखू गोखरू गोखरू उसका कांटा बहुत कठोर, बहुत चुभता है, और ऐसा नहीं होता जिस मार पर गोखरू लगी हुई ना, प्रिय हजारों लाखों एक साथ रहती हूँ, एक कदम नहीं चल पाता आदमी, लेकिन आग लगा देना चाहिए ना। पंडित ठहरिए, बमूल का कांटा कितना चुभ जाए पैर में छेद कर देता है, लेकिन मित्र ध्यान रखिए, पंडित जी अपनी माँ से पूछना, माँ से पूछना, माँ जब मेरा जन्म हुआ था तो चरुआ का पानी जब पिलाया था आपको, उसमें क्या पड़ा था? माताओं, अब मेरे से मत पूछना कहाँ सीखते, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। बमूल का कांटा बहुत खराब होता है, गोखरू का कांटा बहुत खराब होता है मेरे मित्र, लेकिन माँ जब चरुआ का पानी पी रही थी, बेटे को जन्म देने के बाद जो औषधियों का पानी पिलाया जाता है वो मटके में गर्म करके, वही तो चरुआ का पानी, उसमें कांटे पड़े हुए थे। और ज्ञानी मित्र, किसी को पथरी का रोग हो जाए तो फिर पानी पर किसका पिलाते हो? गोखरू के काढ़ा बना के पिलाते हो गोखरू का? ऐसे ज्ञानी मित्र, कांटे भी काम में आते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, इसलिए कांटों का भी अपमान मत करो। सुब्रत सागर जी, महात्मा जी ये तो कांटों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं बिल्ली का मल भी मत, उसको ज्ञानी मत करो, आप अपनी रक्षा करो, पर उसके प्रति अशुभ मत सोचो। एक ऐसा दिन आता है निर्मल भैया, बिल्ली का गोबर काम में आता कि नहीं आता? तो बता दो क्या काम में आता है? अरे मुक्सियों, घर में लीपने मत बैठ, नहीं तो कहो गुरुजी ने कहा था वो बिल्ली का गोबर भी काम में आता है। अरे बिल्ली का गोबर लीपने काम में नहीं आता, पोतने काम में नहीं आता, लेकिन भूत भगाने के काम में जरूर आता है। भूत भगाने के काम में बिल्ली का ही गोबर आता है, इसलिए वो भी मेरे मित्र अपने आप में कुछ तो है। किसी का अपमान मत करो, आपका समय हो गया, किसी का अपमान मत करो। बिमल भैया सुन रहा ना ज्ञानी, ओह एक बात बताऊं गदिया अंदर की बात बताऊं। एक दिन क्या हुआ, मेरे कान में सब शब्द पड़ जाते हैं, और वो राजमल पांड्या धूपचंद छाबड़ा ये लोग मुझे पन्ना से दुर्ग ले गए। जब दुर्ग की सीमा प्रारंभ हो गई तो दुर्ग की पूरी समाज इकट्ठी होकर आ गई, और मैं एक पाटे पे बैठा हुआ था, छोटा सा, मुझे पाटा भी दिख रहा है, सफ़ेद कलर का पोता हुआ पाटा था, उस पर ये लोग लेके आते, मैं बैठा था। जंगल में आहार चर्या होना थी, लोगों ने आके नमस्कार किया, प्रणाम किया और चले गए। अब दुर्ग में जाके मालूम क्या बोलते हैं, अरे भाई एक छोटे से बच्चे को लेके आ रहे भी। बिमल जी सही बोली, ईमानदारी से खड़े हो जाओ। अब ये लोग मालूम क्या बोले, क्या बोले भैया, बोलना अपने मुख से, ठीक बोल रहे ना? मालूम बोले किसको लेके आ रहे, छोटे से बच्चे के पीछे, और इतने दो साल से लगे एक छोटे से बच्चे को लेके आ रहे हैं। अब जो लोग लेके जा रहे हैं तो वो मेरे पास है, बोले महाराज जी अब मैं क्या करूं? हमने कोई बात नहीं है, अब जो है सो है, चलो चलते हैं। बहुत अच्छी अगवानी हुई दुर्ग में, अगवानी के बाद सब देख तो उतने सब माता बहनें देख रही, अरे छोटे से बच्चे को लेके आए हैं, ठीक है। जैसे प्रवचन हुए सबके, भैया बच्चा है, प्रवचन के बाद ये सब नाचने लग गए, और जो लेके आए थे उन सबको सिर पर रखने लग गए, बोले भैया तुमने अच्छा किया, अच्छा किया। इसलिए भैया कभी हम जैसे छोटे लोगों को भी देख लिया करो।
जीवन में अणु व्रतों से ही महाव्रत की ओर चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में किसी के कद को मत देखो, व्यक्ति के गुणों को देखो। कद को मत देखो, ये किसके हाथ में माइक पहुंच गया? कद को मत देखो, मेरे मित्र गुणों को देखो। और आज से ज्ञानियों भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव 500 धनुष की अफगाना वाले थे, तो भगवान बाहुली स्वामी 525 धनुष के अफगाने वाले थे, भगवान महावीर स्वामी 7 ही हाथ के थे, लेकिन भगवान बेबी थे। इसलिए विमल भैया ये देश की समाज से कहना, चाहे मुड़राज छोटे कद में हो, चाहे बड़े कद में हो, चाहे दुबले हो, चाहे मोटे हो, लेकिन मित्र इनके कदों को मत देखना, निर्गंध गुमनियों के रत्नात्रे धर्म को देखना। भैया शैलेश, आपने कद नहीं देखा इसलिए आपने जबलपुर में चातुर्मास करा लिया। बस मेरा सबसे कहना है, कदी देखा था ना, लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा भी है। छोटे कद का इतना फायदा है, कोई ऊट पटांग लोग आए ना तो बगल में सुब्रत सागर चल रहे, मनोज सागर चल रहे, विश्व सागर चल रहे, लंबे लंबे, तो लोग सोचते यही आचार महाराज है, मैं आगे निकल जाता। और कभी कभी ये फायदा होता है, कोई जो जिसको नहीं छूना चाहिए वो छू ले तो दंड स्नान इन्हें करना पड़े, मेरे दंड स्नान बच जाता है। और फायदा क्या है, जैसे किसी गांव में जाए तो लोग दया करते, भैया छोटे छोटे महाराज ध्यान रखियो, इनके भोपाल में पहुंचा पहली बार तो कुछ लोग तो उन्हें बास में भक्ति नहीं थी, दया थी। दया ऐसी थी, उसमें एक संगी पत्रकार है, बोले महाराज तो धर्म सो हम जानते नहीं, लेकिन इतना हम जानते हैं इन छोटे छोटे महाराजों को कौन देखेगा। सुबह से उन्होंने अपने ग्रुप बनाया और सेवा में लग गए। मैंने कहा ये अच्छी बात है, पिल्ले हर व्यक्ति के अच्छे लगते हैं, इसलिए छोटे कद की बड़ी महिमा है। ओहो, अपने जीवन में मित्र शरीर छोटा बन के रहे विकल्प मत करना, विनय आपकी बड़ी होना चाहिए और गुण बड़े होना चाहिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की